जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फैराडे, बी वोल्टा, सी मैक्सवेल, डी रोएनजेन। तो इसका सही आंसर बी होगा। बैटरी का आविष्कार जो है 1799 ईस्वी में अलेसान्ड्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम बैटरी का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दो है, एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मध्यमान, बी आरएमएस मान, सी शिखर मान, डी माध्यवर्ग मान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएमएस मान जो है एसी परिपथ में एसी मीटर आरएमएस मान को मापते हैं। प्रश्न हमारा अगला है, प्रश्न नंबर तीन, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मीटर, बी वोल्ट मीटर, सी वॉट मीटर, डी एनीमोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, एमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चार है, वैद्युत आवेश का एसआई एकक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एम्पियर, बी कूलाम, सी ई एस यू, डी केल्विन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कूलाम। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। प्रश्न हमारा अगला है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वोल्ट, बी वाट, सी किलोवाट घंटा, डी एम्पियर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। प्रश्न हमारा छः है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर द्वारा, बी डायनमो द्वारा, सी दोलक द्वारा, डी दिष्टकारी द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, दिष्टकारी द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर सात है, रेक्टिफायर्स का उपयोग डॉट डॉट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, तो किस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी होगा, एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर आठ है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, बी दिष्ट धारा, सी प्रेरित धारा, डी वास्तविक धारा। तो इसका सही आंसर सी होगा, प्रेरित धारा को दर्शाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो है प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नौ है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रेगुलेटर। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। प्रश्न नंबर दस है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, बी मृदु इस्पात, सी कठोर स्टील, डी नर्म लोहा। तो इसका सही आंसर डी होगा, नर्म लोहा जो है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। प्रश्न नंबर ग्यारह है, परिणाम मित्र एंड ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से किस लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए पिरामिड यानी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तांबा, बी नाइक्रोम, सी सीसा, डी टंगस्टन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक ही सर्वाधिक होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। फिलामेंट को कोच के बल्ब के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि अतिरिक्त फिलामेंट तक वायुमंडलीय ऑक्सीजन न पहुंच पाए और इस तरह क्रिया करके फिलामेंट को कमजोर न कर सके।
प्रश्न नंबर 13 है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो इनमें से क्या भरा होता है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, आर्गन। बिजली के बल्ब में प्रयोग किया जाता है आर्गन, जो कि बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरा होता है। प्रश्न नंबर 14 है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, दृश्य प्रकाश के रूप में जो है तंतु प्रकाश के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति जो है दृश्य प्रकाश के रूप में होता है, प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 5 है, फ्यूज के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विद्युत के यांत्रिक प्रभाव पर, बी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, सी विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर, डी विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज का जो है सिद्धांत, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 16 है, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक वाला जो होता है एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है। प्रश्न नंबर 17, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम की खोज किसने किया था? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम की खोज जो है किया गया था। प्रश्न नंबर 18, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो इनमें से क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, संधारित्र। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को संधारित्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। प्रश्न नंबर 20 है, यदि किसी प्रतिरोधकता तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बढ़ता है। किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ता है। प्रश्न नंबर 21 है, किसी एयरचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी घटता बढ़ता रहता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, घटता है। प्रश्न नंबर 22 है, द्रव्य में चुंबकत्व का कारण होता है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति जो है द्रव्य में चुंबकत्व का कारण होता है। प्रश्न नंबर 23 है, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, चुंबकीकरण के द्वारा विषम मिश्रण से लोहे की परत को अलग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 24 है, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, समांतर लाइनों को जो है समान चुंबकीय क्षेत्र जो है दर्शाया जा सकता है, समान लाइनों को जो है दर्शाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 25 है, स्थिर विद्युत आवेश अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वायु प्रदूषक। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग वायु प्रदूषक नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, यदि कोई दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यथावत रहेगी। प्रश्न नंबर 27 है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिणामी ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। प्रश्न नंबर 28 है, उपकरणों को
किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, रबर का शील्ड। उपकरणों को रबर शील्ड के द्वारा घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग जो है उपग्रह संचार के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे हमने आपको इस वीडियो में करा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।